हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? बाकी सब मजे में? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़ के आप अपनी स्टडी को और परफेक्ट बना रहे होंगे। हमारे ऑनलाइन पाठशाला से जुड़िए और हमारे बहुत सारे आपको वीडियोज मिलेंगे और हर एक वीडियोस में आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से परफेक्ट किया गया है। और ये कंप्लीट हर एक वीडियो आपके लिए ही आपको हेल्पफुल हो, आपके हर एक स्टडी को बहुत परफेक्शन के लिए ले जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें कंप्लीटली बनाई गई हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए कि हमने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसे बहुत सारे स्टार्टिंग से लेके मोल से लेके यहाँ तक उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल किसी एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कुछ मिक्स क्वेश्चन है। तो मेरी इच्छा थी बहुत दिन से कि भाई मैं कुछ क्वेश्चन बच्चों को करवाते रहूं बीच में, तो मैं इसलिए एक ऐसा वीडियो की क्वेश्चन के बेस पे आपके सामने लेके आ रहा हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम ये ध्यान में रखते हुए कि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बेस पे हम यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटेलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा, इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। The equivalent weight of metal is, हमसे पूछा है कि metal का equivalent weight क्या होगा। तो एक simple सा एक basic reaction मैं यहाँ पर बेटा बना दूँ। देखो, ये कोई balance reaction नहीं है, कुछ ऐसे reaction होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं सीधे लिख रहा हूँ, metal plus chlorine together। अब देखो बच्चा ये कहेगा, सर आपने metal chlorine को, क्लोरीन तो Cl2 होता है। मैं आपको फिर से ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट हमें समझने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। इसी वजह से तो हमें अननोन एलिमेंट का जो है बेटा, अननोन मेटल जो है, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो अननोन एलिमेंट का या मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो अगर मुझे वो नोन होता तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ चुके हो, इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हो, तो मैं एक यहां पर पॉइंट अप्लाई कर रहा हूं। मिली इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ मेटल क्लोराइड। ओके, और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल क्लोराइड। अब डिपेंड करता है कि आप मिली इक्विवेलेंस में ले रहे हो या इक्विवेलेंस में ले रहे हो। अगर मुझे मास दिया रहता है बेटा, तो हमें हर हमेशा ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंस के टर्म में ले तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि फिर मिली इक्विवेलेंस को फिर से इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करो तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे इक्विवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट, मिली इक्विवेलेंस तो मैंने तब लिखा है जब n इंटू वी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और वी ml में होता है तो मिली इक्विवेलेंस आता है। तो एक सिंपल सा ये पॉइंट मुझे मिल चुका है, तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को जो स्टार्ट करूंगा वो यहीं से करूंगा। जो चीज गिवन है उसके लिए इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगा लो। अब यहां मेटेलिक क्लोराइड, यानी इसका मेटेलिक क्लोराइड का वेट दिया है, तो एक तो इक्विवेलेंस इसके निकल सकते हैं, दूसरा हमें दिया है क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए लिख सकता हूं मैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ Cl is equals to equivalence of metal chloride। अब equivalence निकालते कैसे हैं? ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। कैसे निकालते हैं? हमें directly concept को समझना है। Weight upon equivalent weight, ये लगा लूँ मैं formula। ये Cl के लिए हो जाएगा। यहाँ पर भी weight upon equivalent वेट, ये मेटल क्लोराइड का हो जाएगा। तो वेट कितना है क्लोरीन का, 35.5।
35.5, और हमारे पास इक्विवेलेंट वेट अगर मैं क्लोरीन एटम का देखूं पर्टिकुलरली, वो होता है हमारे पास फिर से 35.5 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज 74.5 एंड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, और मेटल का तो हमें निकालना है और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, अब यहां पर तो आंसर आ जाएगा 1, तो हमें हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं E प्लस 35.5, ये इधर चले जाएगा क्रॉस में, इज इक्वल्स टू 74.5। और इसी को अगर हम यहां पर इस 35.5 को इधर ले जाएंगे तो E इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 74.5 माइनस 35.5। ठीक है, तो अब यहां से डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं, 74.5 माइनस 35.5 तो 0.74 ठीक है, मैं माइनस करके आपको डायरेक्टली बता देता हूं, 74.5 माइनस 35.5 39, ठीक है, 9 यहां 9 और यहां 3 39। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मैं यहां पर लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 39। बेटा देखो, ये मैं फिर से एक और चीज आपको बोलूं, ये तो सब कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तो देखो हम टीचर हैं तो कहीं कहीं पर सिली मिस्टेक हो सकती है, नो डाउट, ठीक है ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि मेथड क्या है, मेथड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारा आंसर आया 39, आंसर विल बी सी, तो ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका सीपीएमटी में, देखो मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वही करवाता हूं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में किसी बेस पे वो पूछे गए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये एक हमारा पहला क्वेश्चन, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 5.8 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस इज, वो गैस को हमें बताना है कि एक्चुअली वो गैस है क्या। तो अगर मुझे एसटीपी कंडीशन दी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर एसटीपी दिया है तो मैं डायरेक्टली एक ही पॉइंट इस स्टेप एसटीपी के बेस पे एक पॉइंट मेंशन कर सकता हूं, यहां पर 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर जो हमने पढ़ा हुआ था। तो ये एक स्टेटमेंट डायरेक्टली मेरा इस एसटीपी के बेस पे बन गया। तो अगर ये स्टेटमेंट बना बेटा, तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकता हूं फिर से वही कि 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ये पहला स्टेटमेंट। तो 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स, 1 बाई 22.4। ओके, एंड क्वेश्चन में दिया है हमें, क्वेश्चन में कंप्लीटली हमें गिवन है कि हमें 5.8 की बात करनी है। सो 5.8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 22.4 into 5.8। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास 5.8 डिवाइडेड बाय 22.4 आंसर विल बी 0.259। मैं इसको लिख लेता हूं, 2589 आ रहा है तो मैं इसको 9 लिख लेता हूं। ठीक है, 0.259 मोल, ये इतने हमारे मोल आ जाएंगे। अब मोल हमें मिल चुका है, अब हमें सीधे क्या निकालना है, उसका मोलर मास, क्योंकि गिवन मास मुझे दिया हो। अब यही चीज समझना हमें क्वेश्चन में, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में गिवन मास भी दिया है, तो मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास
बाय मोलर मास। अब बेटा इस स्टेप समझो, अगर मुझे मोलर मास पता चल जाए कि कितना आ रहा है, गिवन मास क्वेश्चन में दिए है, मोल दिए है, मैं सीधे सीधे मोलर मास निकाल लूं, तो मोलर मास पता चल जाएगा, मैं सीधे से ऑप्शन में देख के बता सकता हूं कि ये मेरा पर्टिकुलर गैस होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना दिया है 7.5 डिवाइडेड बाय 0.259। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7.5 डिवाइडेड बाय 0.259 आंसर आ जाएगा हमारे पास 28.95, 28.95, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसको 28 ले लेते हैं, ये ध्यान रखना अच्छे से जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 28 ही ले लूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर आता है क्योंकि हम कैलकुलेशन के बेस पे जाते हैं, एग्जैक्ट थोड़ा सा हम जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत आपका वेरिएशन करता है, तो 28 ले लूं और या 29 ले लूं, तो 28 के टर्म्स में अगर मैं अप्रोक्सीमेटली चलते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करता हूं तो नाइट्रोजन हमारे पास 14, ऑक्सीजन हमारे पास 16, तो ये तो डायरेक्टली 30 हो रहा है, हो ही नहीं सकता। अब यहां पर ये 30 से ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि दो नाइट्रोजन आ गए, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। CO2 तो ऑलरेडी 44 होता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो नियर बाय है, अगर मैं 29 भी इसको मान के चल रहा हूं तो नियर बाय 28 यही आएगा। तो इसलिए अगर मैं को 2 डेसिमल तक ही आंसर लेता हूं तो 89 की जगह पर जो आंसर मैंने 9 लिखा है इसको मैं हटा दूं तो 0.25 ही आंसर मेरा आ रहा है, तो ये आंसर डायरेक्टली 28 आ जाता, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा सी। इसको मैं 28 ही मान के चल रहा हूं तो आंसर मेरा हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए क्योंकि बेटा देखो ये हमारे पास 30 है तो 29 और 30 में थोड़ा डिफरेंस तो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया। और दूसरा ये तो हमारे पास 30 से ज्यादा ही होगा, यानी 28 से ज्यादा ही होगा जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं। और अगर मैं CO2 की बात करें तो CO2 44 होता है, तो बचा हमारे पास ये कितना होता है 12 प्लस 16, एग्जैक्ट 28 की बात होते हैं, तो 28 एक की जगह पर लाइक कर रहा है। ओके ठीक है, चलिए तो आई होप कि बेटा ये भी आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो अच्छे क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा बेटा मैं लेके आया हूं, लेकिन जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, देखो जैसे ये 99 में जो CBSE PMT AIPMP जिसे हम बोलते हैं उसमें पूछा गया था, और ये महाराष्ट्र CET में भी पूछा गया था। मतलब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, आपको अप्रोक्सीमेटली भी बोल दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये स्टेप तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बेस पे भी करवा रखा है, तो मैं फटाफट उस पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। 4.25 डिवाइडेड बाय गिवन मास बाय मोलर मास, अमोनिया इज 14 प्लस 3 17, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, मैं देख लेता हूं, ठीक है, 4.25 डिवाइडेड बाय 17, आंसर विल बी 0.25, इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहां पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो मैंने आपको बताया बेटा जब भी आपको यहां पर पूछा होगा, यहां पर मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल के मोल चाहिए, नंबर ऑफ एटम पूछा है तो एटम्स के मोल चाहिए, तो मैं आप सबसे पहले सीधे सीधे मूव कर रहा हूं यहां पर मोल ऑफ एन एटम, मोल ऑफ एन एटम, और इसके लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है, फिर से फॉर्मूला लिखते हुए चल रहा हूं भले ही मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिसिटी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको याद अब हो जाना चाहिए, इनटू मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटा, अगर हमारे पास हमें ये पर्टिकुलर कंडीशन पता है तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम के लिए एटॉमिसिटी कितनी है 1 इनटू मोल ऑफ कंपाउंड कितना है 0.25, तो आंसर विल बी 0.25, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की एटॉमिसिटी मुझे डायरेक्टली दिख रही है यहां पर 3 है, तो 3 इनटू 0.25
0.025. So answer will be 0.75. इतने मोल आ जाएंगे, ये भी मोल है और ये भी मोल है, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर निकालना है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, यानी वो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो पूरे पूछ रहा है, टोटल की बात कर रहा है, एटम्स पूछा है, इंडिविजुअल नहीं लिखा है, तो समझ जाना वो टोटल की बात कर रहा है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना, अदरवाइज वो इंडिविजुअल पूछेगा, ठीक है, टोटल निकालेंगे। अब हम यहां पर पहले निकालते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा 0.25 Na, ये लास्ट में रख लेंगे हम वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि Na के टर्म्स में रखना है, आंसर उसी टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू 0.75 Na। अब हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो उनको ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.75, 0.25, 1 Na आ जाएगा। अब 1 Na, अब Na की वैल्यू भी रख लेते हैं, Na की वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है 1 × 6.022 × 10⁻²³। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑप्शन में जिस टाइप से दिया होता है उस टाइप से हम चीजों को रिलेट करेंगे। ऑप्शन में वन डिजिट लिखा है केवल, यहाँ पर पॉइंट की बात ही नहीं करता, तो सीधे सीधे लिख दूंगा 6 × 10⁻²³। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा है क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए मैं चल रहा हूं, तो आंसर मेरा आ जाएगा डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि बच्चा पार्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, ओके, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले ही कोई कंपटीशन में यहां पर नहीं लिखा है पूछा गया, बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ओके। सो देखिए बेटा किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए। हमें दिया एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट, हमें एटॉमिक वेट दिया हुआ है, यानी एक टाइप से एटॉमिक मास की बात कर रहा है, सीधे सीधे उसी को एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास एक ही होता है, तो वो 40 और 80 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ओके। इफ एक्स ग्राम ऑफ ए जो है बेटा एक्स ग्राम है, कंटेन वाई एटम, वो वाई एटम कंटेन कर रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी, जब 2x ग्राम ऑफ बी हो जाए तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये पूछा गया है, ओके, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और पाथ समझिएगा, ओके बेटा। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं मोल ऑफ ए, यानी एन ऑफ ए, मैं इस तरीके से लिखूंगा, मोल ऑफ ए जो होगा, और ये एटॉमिक वेट दिया है, मतलब यहां एटम के ही मोल निकलने वाले हैं, ये समझ लेना आप लोग, ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ए का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो 40 है और बी का जो है वो 80 है, तो एक्स ग्राम दिया हुआ है, तो मैं मेंशन कर दूं एक्स डिवाइडेड बाय 40, ये मोल आ जाएंगे। अब मैं यहीं पर लिखूं नंबर ऑफ ए एटम्स, क्योंकि मोल मुझे पता है, तो ए एटम्स मैं निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ ए एटम इज इक्वल्स टू एक्स बाय 40 इनटू एन ए, मोल इनटू एन ए, दैट इज नोन एज क्या, नंबर ऑफ एटम, और इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वाई के बराबर है, वाई एटम्स के बराबर है, यानी ये वाई एटम्स के बराबर हो गया। ये बात सबको समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं समझना, Na, number of moles of A atom is equals to given mass is x gram, divided by atomic mass is 40, so moles of A atoms or A elements, okay, so number of A atom, कितने हो जाएंगे number of A atom, mole into Na, तो ये number of atoms हो जाएंगे, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं B के लिए, B के लिए अगर हम बात करें तो B के लिए हमें पता है कि N of B जो निकालेंगे वो क्या होगा, मास कितना है 2x divided by atomic weight कितना है 80, तो
तो ये भी एक टाइप से x बाई 40 ही हो गया, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ बी एटम, नंबर ऑफ बी एटम क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल इंटू एन ए, तो x बाई 40 इंटू एन ए ये हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। सो आंसर ऑल्सो y। तो यहां पर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ b, तो 2x ग्राम ऑफ b में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो y हो जाएगा, आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ लो, मैंने पहले स्टेप में जो किया था दूसरे स्टेप में भी वही किया है, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाले हैं। तो अगर ये आंसर इसके बराबर है तो ये y इसके बराबर ही होगा, तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा y, तो ऑप्शन इज सी, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर, बच्चा पार्टी आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा है। मैं फिर से ये कहूंगा कि आप लोग जरूर इस चीज को समझिए, और किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप हमें प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें मेंशन करिए, हम आपका हर एक क्वेरी, हर एक छोटा सा छोटा डाउट सॉर्ट आउट करेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, देखो द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो बचा हुआ ग्राम मेटल ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो ये चीज समझना, क्योंकि उसने लिखा है द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, सॉरी मैं एक पॉइंट को मिस कर रहा हूं, 32% ऑक्सीजन है तो बाकी का बचा हुआ परसेंट मेटल होगा, तो मेटल का मास भी मुझे पता चल गया, इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी, हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा किस तरीके से हम इस चीज को निकालेंगे, सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर लिख रहा हूं मेटल ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है, यानी 32% ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये मैं बोल सकता हूं। तो अब एक चीज देखो, मैं सीधे सीधे यहां से भी क्वेश्चन कर सकता हूं, और अगर मुझे 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिल गया है उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बचा जो होगा वो बेसिकली मेटल होगा, तो मैं मेटल का वेट निकाल लूं। हमारे पास अगर हम यहां पर मेंशन करें कि 100 में से 32 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो 68 ग्राम बचेगा वो मेटल होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 100 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 68 ग्राम, यह आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट एक ही है, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट कितना आ गया 68 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट को मैं ई मान लेते हैं क्योंकि मेटल का ही निकालना है, और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, सो 32 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये दोनों से ही मेरा काम हो जाने वाला, फिर से मैं यहां पर लिख दूं, इन दोनों से मेरा काम हो जाने वाला है। आप इसके बेस पे भी निकाल सकते हो, अगर किसी बच्चे को इससे इसके साथ रिलेट करना है, क्योंकि ये हमारे पास 100 ग्राम है तब भी निकल जाएगा, इससे इसको साथ रिलेट करना है तब भी निकल जाएगा, बट मैं सिंपल वे में जा रहा, हमें डायरेक्टली पता चल गया तो हम वहीं से निकालते हैं। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली ये कंप्लीट हमारे पास जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4 आ जाएगा तो
हमारे पास ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 68 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा और ये 2, ये 17। तो आंसर हमारे पास 17। तो कोई ऑप्शन है? यस ऑप्शन है, 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा 17। ओके, सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीट समझ में आया होगा, एंड आंसर इज सी ऑप्शन, ऑप्शन इज सी। ओके, एवरीवन इज क्लियर? किस तरीके से किया उस चीज को समझना है। 32% हमें ऑक्सीजन दिया है, इसका मतलब 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 32 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो बचा हुआ 100 माइनस 32 करूंगा तो मेरा मेटल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैंने आपको बोला ये निकालने की भी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे? मैं आपको, आप कैलकुलेशन जरूर करिएगा, मैं आपको वो स्टेप भी बता देता हूँ, किसी बच्चे को समझना है क्योंकि बहुत जरूरी है। दूसरा क्या मेथड है इसकी, इस लाइन की जरूरत भी नहीं थी। कैसे? यहां पता चल गया, यहां पता चल गया, डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे? इन दो को रिलेट करके, इन दोनों को रिलेट करके। मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं फिर से, इन दोनों को अगर मैं रिलेट करता हूं तो इन दोनों के बेस पे मैं यहां पर डायरेक्टली निकाल सकता हूं। देखिए किस तरीके से निकालो। ओके, ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए, 32, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मेटल के लिए ई और ऑक्सीजन के लिए 8 या जाएगा, ये तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम यहां पर सीधे सीधे मेंशन कर लेते हैं कि अगर ये 4 हो गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4e + 32 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमारे पास 4e इज इक्वल टू 100 - 32, फिर से कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर यहां पर 68, और फिर से वही e इक्वल टू 68/4। तो देखिए ये और ये सेम है कि नहीं? एग्जैक्टली बेटा, यही मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मेथड सही है, किसी भी रास्ते से जाओ, आपका आंसर सेम ही है। तो यहां से भी आंसर हमारा 17 ही आ जाएगा, जो ऑप्शन सी की बात कर रहा है। तो किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आप सही करो बेटा तो आप कैसे भी जाओ आप 100% सही सही आंसर तक पहुंचोगे ही। ओके एवरीवन, सो आई होप कि बेटा ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया है तो आप उसी के रिलेटेड कुछ। ओके बच्चा पाटी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हाउ मच कूलाम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो क्वेश्चन में ना, आपको एक चीज बता देता हूं अच्छे से, क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिया हो, ठीक है, चलो मैं बीच में मेंशन कर देता हूं, चलो मैं नीचे लिख देता हूं इसको, तो क्योंकि वहां बीच में आपको एग्जैक्टली दिखेगा नहीं, 1 ग्राम आयन, इसका मतलब होता है ये आपको मोल गिवन है, तो ये मोल कितना है, 1 मोल। तो 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल। तो कभी भी ग्राम आयन लिखा हो, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 1 मोल है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बता देता हूं, क्योंकि ये हर एक बच्चे को कंफ्यूज करता है इस पॉइंट में, तो ये भी मैं आपको यहां पर पूरा बता दे रहा हूं। तो इसका मतलब 1 मोल, अब मुझे 1 मोल की बात कर रहा है, तो सिंपली यहां पर एक जो रिएक्शन बनेगी उसको हम मेंशन कर लेते हैं, एन नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू गिव एन पे -3 चार्ज। ओके एवरीवन, तो अब क्या होगा बेटा, ये 1 मोल और ये 3 फेराडे, ठीक है, ये हमने पढ़ा था इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, और ये 1 मोल। अब हमें 1 ग्राम आयन लिखा है मतलब 1 मोल के बराबर है, तो ये 1 मोल आयन हो गया, तो 1 मोल आयन की ही बात कर रहा है,
और इसमें कितने होंगे, 3 फेराडे, तो 3 फेराडे मतलब चार्ज पूछा है, सो चार्ज इज इक्वल्स टू 3 × 96500। तो आंसर हमें यहां पर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3, अगर मैं वैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है चलो मैं कैलसी से ही कैलकुलेट कर रहा हूं, 96500 × 3, तो आंसर इज 289500, ये मेरा आंसर होगा। तो अब इसमें मैं कहीं पर यहां पर ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है तो हम चेक कर लेंगे, नहीं दिया है 10^10 में दिया हुआ है तो देख लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 2.895 × 10^5। अब देखो बेटा ये वैल्यू अगर यहां पर हम एग्जैक्ट लेते हैं, जो मैंने उस समय भी आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, जिसने देखा होगा उसको कंप्लीटली ये पता चल रहा होगा, और अगर मैं यहां पर जो फेराडे ने दी है जो हम यूज करते हैं वो वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, तो मेरा आंसर इतना आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, ये भी बात फिक्स है, 2.89 तक एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैं उसी में टिक करूंगा। ओके सो आंसर इज बी। ओके एवरीवन, सो आई होप कि बेटा आपको ये हर एक चीज समझ में आई होगी, हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए आप देख सकते हो वो एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं कहूंगा बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को उसमें मोस्ट ऑफ द वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको भी कनेक्ट किया, और हर एक चीज छोटी छोटी चीज को कनेक्ट किया, प्लस हमने एक चीज नई और सीखी जो मैं आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कि बेटा आपने इंजॉय कर रहे हो के आप हमारी ऑनलाइन पाठशाला में जो जितने भी आपके वीडियोस हैं बेटा उनको आप देखिए, और उनको मेरी सबसे रिक्वेस्ट है बेटा आप देखिए, और आपको जो भी डाउट है हम वो हर एक चीज आपके बेनिफिट के लिए जो कर रहे हैं बेटा, उसमें जिस भी टाइप का आपको प्रॉब्लम है बेटा प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मेंशन करिए, हम आपका हर एक टाइप का क्वेरी सॉर्ट आउट करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलिए थैंक यू, ओके बाय बाय।